श्री पीर निबालक साहब श्री हरगोबिंद सिंह महाराज का 428 जन्मदिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी ने जो गुरगद्दी पर बैठे उन्हें दो तलवारां पैनिया मीरी ते पीरी दी। जिस वक्त गुरु अर्जन देव महाराज जी ने तत्ती तोत बिठा के शहीद किया गया, उस दे जालम हुक्मरानां ने जुल्म ढाया हुआ सी, तो महाराज ने फरमाया कि शक्ति दे भगती दे नाल शक्ति भी जरूरी है। महाराज जी ने दो तलवारां मीरी ते पीरी शक्ति और भगती की तलवार पहनी। उस वक्त हरिमंदर साहब जिते शब्द कीर्तन ते गुरबाणी का 24 घंटे पाठ होता सी, कीर्तन होता सी, तो महाराज जी ने उसके सामने एक अकाल तख्त कायम किया, अकाल तख्त बनाया, और अकाल तख्त के अंदर पंथक फैसले होंगे सन, और फिर फैसले सन वो पूरे जितने भी सिख कम्यूनिटी है पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने फैसलों मनती सी। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि साढ़े अंदर भी ऐसा आंसर पैदा हो चुका है जेडे कि अकाल तख्त अन्हाई करते हुए अपने फैसले संगता के अंदर ठोंसते जा रहे हैं। अकाल तख्त जो है सुप्रीम है, अकाल तख्त का हुक्म जोड़ा है हर सिख को मनना चाहिए है। उस हुक्म के मुताबक अज असी 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं। कुछ लोग अकाल तख्त की विरोधता कर रहे हैं, अकाल तख्त के फैसले मुताबक हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी ने सजा लगी उन्होंने भी कबूल की, पंजाब के चीफ मिनिस्टर सजा दी उन्होंने भी कबूल की, क्योंकि हर सिख का हुक्म है अकाल तख्त के चार जो फैसला जो है हर सिख को मनना चाहिए है। जम्मू और कश्मीर के अंदर अज ये हो रहा है कि अकाल तख्त की खिलाफवर्जी हो रही है, कुछ सिंह जो अपने आप को खालसा कहते हैं, लेकिन अफसोस की गल है कि वह खालसा अपने आप को खालसा कहते हैं लेकिन अकाल तख्त के फैसले के मुताबिक नहीं चलते। अज सिखा डिवाइड किया जा रहा है, सिखों के अंदर फ्रिक्शन पैदा की जा रही है, और मैं अपील करना उन्होंने वाइस प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट राजेंद्र सिंह, अज असी छठी पातशाह गुरुद्वारे गुरु हरगोबिंद सिंह जी पातशाह का प्रकाश पुरब बड़ी धूमधाम मना रहे हैं। ये साढ़े को बार संगत भी पहुंचिया और बुलारे भी साढ़े को पहुंचे बाहर दे। मैं अज एक अपील करदा कि साढ़े सिख कम्यूनिटी दो एक गुटबाजी हो रही है, वो असं यह चाहते हाँ कि गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। असी अकाल तख्त को मनते हाँ और अकाल तख्त के जिससे असी अकाल तख्त को मनते हाँ, असी अज अकाल तख्त के कहने पर गुरु हरगोबिंद सिंह पातशाह का छठी पातशाह असी ये स्थान है, इतने गुरु जी दो दिन रुके सी, एक गुरु हरगोबिंद सिंह जी रजौरी छठी पातशाह गुरुद्वारे रुके सी, असी उन्हों का अज स्थान बना रहे इतू श्रीनगर गए सी, और मैं ये कहना गुरु महाराज सारे बुद्धि बख्शे, और साढ़े जम्मू कश्मीर में जिस तरह के साढ़े गुटबंदी है अज असी गुरपुरब मना रहे हैं, कई पार्टियां जड़ियां वो गुरु इस अकाल तख्त को नहीं मनदियां, असी अकाल तख्त को मन के ते अज असी गुरु का गुरपुरब मना रहे हैं। ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करदा कि इन्होंने सानू पानी बिजली और हर चीज़ की फैसिलिटी दी है, मैं इन्हों का शुक्रिया अदा करदा, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करदा, और मैं ये साढ़े हर कम्यूनिटी साढ़े को पहुंची है, श्री पशुंदर जी पहुंचे हैं, सुशील जी पहुंचे हैं, और हमारे पास वो पहुंचे हैं एडिशन एसपी साहब पहुंचे हैं, शेखर साहब पहुंचने वाले हैं, और भी हमारे पूरी एडमिशन हमारे पास पहुंची है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और जय हिंद जय भारत। आज जो गुरुपुरब मनाया जा रहा है कि श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी छठी पातशाही उनकी तरफ से जो है उनका मना रहे हैं। गुरु साहब हमारे 10 गुरु हैं, और 10 गुरु में से ये ऐसे गुरु हैं जो जिन्होंने J&K का जो है इन्होंने सफ़र किया है। इनको जो पंजाब में बैठे हुए थे, इनका जो असली जो स्थान है अमृतसर के नज़दीक वाडली एक पिंड था, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ है, और इनको रात में एक सपना आया था कि एक वो माई जो है वो आपका एक इंतज़ार कर रही है, और वो जो जहाँ पर है वो एक पहाड़ी इलाका है और पीर पंचाल के नज़दीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ से वो आए और पहले जम्मू काटी साहब गुरुद्वारे में रुके, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से कुछ दिन रहे, फिर वो नौशहरा है चंगड़ इलाका है जो है वहाँ पर एक ब्राह्मण जो है
उनके घर में रहे, उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन उनको मिली। उन्होंने कहा कि आप जो है कश्मीर जो जाना है तो वो आप जोरी से चले आए। फिर वो जोरी आए, यहाँ पर कुछ दिन रुके और यहाँ पर उन्होंने जो है 5-6 दिन जहाँ पर इतिहास कहता है कि 3 दिन जहाँ पर रुके। 3 दिन के बाद फिर जहाँ से होते हुए फिर वो श्रीनगर में गए। वहाँ पर माई पापड़ी जो है वो उनका इंतज़ार कर रही थी। वो इनको जो है इनका जो इंतज़ार करते हुए तो वहाँ पर जो है जब जब पहुँचे तो उनकी नज़र भी कमज़ोर हो गई थी। तो जब उन्होंने देखा कि गुरु साहब थे तो उसके बाद उनकी नज़र भी जो है वो आ गई। वो महाराज जी ने क्योंकि वो टोला जो उसने जो बनाया हुआ था तो वो टोला जो है उनको पहनाया। उसके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।